ने जो कहा वो कर दिखाया। आई कांट बिलीव दिस आंटी, क्या वो लोग नहीं जा रहे, उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। कितनी गलत बात है, उस बेचारी का बाप हॉस्पिटल में है और हम यहाँ जश्न मना रहे हैं। आपको पता है मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि आपके दिमाग में ये सब चल रहा है। इतने इनार का सही वीक पॉइंट पकड़ा है। आज उनकी जिंदगी का कितना बड़ा दिन था ना, वो रे नाया। दिन बड़ा न सही मगर यादगार बन गया। अनाया का वजूद मेरे घर में बिन बुलाए मेहमान की तरह, और बिन बुलाया मेहमान कभी भी घर में वो मकाम वो जगह नहीं बना पाता, वो जाए या रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मायर, उसे तो फर्क पड़ता है, आप खुद ही देख लें, वो कल से उसके साथ साथ है। मेरा बेटा काइंड नेचर है, उसे रिश्ते निभाने आते हैं, निभाने दो उसे अपना फर्ज अनाया के साथ। देखो अनाया इस वक्त अपने बाप के गम में गमगीन होगी, वो उसे कहाँ टाइम दे पाएगी। तो मायर तो अकेला पड़ जाएगा। तुम उसे अकेला रहने दोगी? कभी भी नहीं, मुझे तो आज रात खुशी से नींद ही नहीं आएगी। बस अब आप जल्दी से अपनी जादू की छड़ी घुमाकर अनाया को मायर की जिंदगी से निकाल दें, मैं अब मजीद वेट नहीं कर सकती। तुम बस देखती जाओ कैसे मैं अनाया की किस्मत की चालें बदलती हूँ। जस्ट वेट एंड सी। अच्छा, मुझे बहुत दिन के बाद बहुत जोर से भूख लगी है, हम कुछ खाना ऑर्डर करें मजेदार सा? श्योर श्योर। क्या खाएंगे आप? कुछ भी जो तुम खाओ।